सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब। एंड टुडेस व्लॉग इज गोना बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर कैटेगरी, बिकॉज़ आज के व्लॉग में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार स्टोरी टाइम। भाई मैं बहुत ही टाइम से देख रहा था, आप लोग हमारे चैनल पे ज्यादातर ना स्टोरी टाइम बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से भी देखते हैं, और उसमें आप लोग के जो रिव्यूज आपके फीडबैक है वो भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मैंने सोचा आज जो है खतरनाक वाला स्टोरी टाइम करना चाहिए हमारे चैनल पे। काफी टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, आई थिंक एक हफ्ता हो गया मुझे। एक हफ्ते पहले मैंने डाली थी, बट वो प्रोटॉन की थी जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला था, ओनली आपको ड्राइविंग दिखाई थी। बट आज हमारा एक स्टोरी टाइम ब्लॉग आ चुका है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट ब्लॉग है आप लोगों का। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। और आज की स्टोरी, जैसे कि आप लोग टाइटल देख के हिल गए होंगे कि भाई तुमने $625 क्यों डिक्लाइन किए, क्यों तुमने $625 विच इज अबाउट पाकिस्तानी, आई थिंक अगर पाकिस्तान में अभी रेट चल रहा है भाई ₹228 डॉलर का रेट चल रहा है, तो इस हिसाब से ये आप अराउंड लगा लो तो ये बन जाता है $600 बनते हैं पूरे के पूरे, 125,000 से लेके 140,000 के बीच में। तो भाई इतनी ज़्यादा अमाउंट मैंने क्यों छोड़ दी, क्यों मैंने जो है उनकी ऑफर को डिक्लाइन किया, जो भी कंपनी थी वगैरह वगैरह जो भी है, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। तो भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में भूल जाओगे। वीडियो के नीचे एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दो, उसके बारे में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार अपना स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट्स में ना मुझे नई नई बातें या कुछ भी, तो मैं वीडियो कैसे लगे कुछ भी लिख दिया करो, बट कॉमेंट करा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो। तो भाई चलो स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई मैंने $625 अपने दिल में पत्थर रख के क्यों छोड़े। तो चलो भाई ये स्टोरी शुरू होती है आज से दो महीने पहले की ये बात है। काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों को ये स्टोरी बतानी चाहिए, बट आज मुझे टाइम मिला तो मैं बता रहा हूँ, आज सैटरडे भी था। तो गाइस स्टोरी शुरू होती है दो महीने पहले मैं कर रहा था फ्रीलांसिंग। तो वैसे भी मैं करता हूँ जो कि freelancer.com पे करता हूँ, फाइवर और अपवर्क तीनों पे मैं करता हूँ फ्रीलांसिंग, बट ऑर्डर्स जो है बहुत कम आते हैं मुझे। तो ये बात है 2 महीने पहले की, मैं freelancer.com पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जोशीला होकर जो है ना काम कर रहा था फ्रीलांसिंग का, और मैं उसमें काम कर रहा था एज अ ट्रांसलेटर था मैं, कि अगर कोई मुझे मैं फ्रीलांसर के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रो दे देता हूँ कि भाई फ्रीलांसिंग में होता है कि आप अगर एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहे हो तो आपको जो है एक जो आपका क्लाइंट है वो आपको एक पेज देता है पूरा, उसको आपको ट्रांसलेट करके जो भी उसने लैंग्वेज बोली होती है उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके देना होता है, फिर उसको उसके वो आपको पैसे देता है। तो एक मेरे पास आया क्लाइंट जो कि हमें पे कर रहा था $625। अब मैंने उसको कॉन्टेक्ट किया, उसको प्रपोजल भेजा, मैंने कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें और जो है मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू एज अ फ्री एज अ ट्रांसलेटर। सो उसको जो है ट्रांसलेट भी मजे की बात कराना था इंग्लिश से उर्दू में। अच्छा ये बात शुरू होती है, मैंने उसको मैसेज सेंड कर दिया कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। सो ही सेंड अ मैसेज आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिन के बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि येस वी सेलेक्टेड यू, सो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सो ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका से था वो बंदा, ढाका तो आई थिंक बांग्लादेश में कुछ ऐसी कंट्री थी साउथ अफ्रीका से वो बंदा था। तो फिर क्या होता है, मैंने उसको उसका मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। सबसे पहले उसने मुझे, जब मैंने उनको मैसेज भेजा था उसके 2 दिन बाद, उन्होंने मुझे ईमेल की, मेरे ईमेल एड्रेस पे उन्होंने मेल की कि भाई वी सेलेक्टेड यू, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है एंड अब नाउ यू कैन वर्क विद अस। सो उसने बोला कि आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उन्होंने अपना नंबर दिया, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट किया एंड देन हमारी जो है बात शुरू हुई उस बंदे की और मेरी। उसने बोला कि भाई हमारे पास 3 कैटेगरी 3 लेवल्स हैं, जिसमें पहला जो है $625 का, दूसरा है $1,020 का, और तीसरा उसने बोला था $2,000 का। बट आई एम ऑन दी फर्स्ट एंट्री लेवल, सो मैंने जो है सेलेक्ट किया फर्स्ट लेवल जो कि था $625 का। उसमें मुझे 20 पेजेस ट्रांसलेट करने थे फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। सो अब जो है मैंने बोल दिया इंटरेस्टेड भाई। तो लेकिन ये जो मेन चीज़ शुरू होती है कि मैंने उसकी ऑफर को डिक्लाइन क्यों किया, ये यहाँ से शुरू होती है। गौर से सुनना आप लोग, क्योंकि आपके भी एक्सपीरियंस में ये ऐसे स्कैमर्स आ सकते हैं। अच्छा अब उन्होंने मुझे जो है ना ब्रोशर सेंड किया अपने लेवल्स का कि भाई इसमें ये करना होता है। लेकिन जैसे मैंने ब्रोशर को खोला और मैंने देखा कि भाई ये हमें $625 तो दे रहे हैं, बट पहले हमसे $50 मांग भी रहे, कह रहे हैं, अब बस ये लोग कह रहे हैं हम आपको $625 देंगे जब आप हमारे 20 पेजेस को ट्रांसलेट कर देंगे, बट ये उसी सूरत में आपको मिलेंगे जब आप हमें जो है $50 डिपॉजिट कराओगे। और फिर कहते हैं कि हम वो $50 जब आपका काम हो जाएगा तो आपको वापस दे भी देंगे, रिटर्न कर देंगे। बट मैंने जो अपने फादर से डिस्कस किया, और मेरे फादर इस चीज़ में मार्केटिंग में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, सो मैंने फादर से बात की, उन्होंने मुझे सबसे पहले मना कर दिया, बिल्कुल बात सुनी भी नहीं और मना कर दिया कि भाई
ही वाज अ स्कैमर. सो मुझे पता चल गया कि भाई वो स्कैमर है, क्योंकि जो है जब आपको भाई कोई बंदा काम कराना चाहता है ना, तो बोलते हैं आप मेरे से भले इतने पैसे पहले ले लो, लेकिन आप मेरा काम कर दो. बट वो लोग मुझे कहते हैं कि आप पैसे दे दो, उसके बाद काम करना, फिर हम आपको पैसे दे देंगे. सो वी डिसाइडेड टू डू नॉट टू वर्क विद हिम, बिकॉज मेरे फादर ने भी कह दिया था, और मुझे भी कहीं कहीं अपने दिमाग में लग रहा था कि ही वॉज अ स्कैमर. एंड देन क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले स्टोरी टाइम में बताया था कि मैंने अपना जो है चैनल भी हाथ धो लिया था अपने चैनल से, बट वो वापस आ गया था मेरे फादर की वजह से. तो वो भी इस वजह से हुआ था क्योंकि वो मेरे को एक हैकर ने मेल की थी, जो कि मुझे एक स्पॉन्सर दे रहा था. वो भी मुझे $200 या $300 का मुझे जो है ना स्कैम कर रहा था मेरे साथ. तो मैंने उसको जो है उससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था. तो 50-50% मेरे दिमाग में चल रहा था कि सही है, बट मुझे 50% लग रहा था कि ये स्कैमर है. और मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि यार सही हो सकता है, बट जो है मेरे फादर ने मना कर दिया. मैंने भी उसकी जो है ऑफर को डिक्लाइन कर दिया बिल्कुल. आप लोग भी भाई जब भी कोई आपके पास ऐसा स्पॉन्सर आए, प्रमोशन आए, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे पहले पैसे मांगे ना, तो सोच लेना, कुछ सोचना दिमाग में, फिर उसके साथ वर्क करना. क्योंकि भाई अगर कोई बंदा आपको अपने बिजनेस में ऐड करना चाहता है ना, आपको जॉब देना चाहता है, तो बोलते भले आप हमसे 10% अमाउंट ले लो, फिर आप हमारा काम कर देना. कोई ये नहीं बोलता कि आप हमें इतने पैसे दे दो फिर आप हमारा काम करना, ऐसा कोई नहीं करता. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ देम स्कैमर्स ऑफ द मतलब ये स्कैमर्स से आप जो है ना बिल्कुल जो है ना एक तरह से अवेयर है. और आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कैमिंग चल रही है, बिकॉज ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया है. जैसे जैसे ऑनलाइन की फील्ड्स बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है ना ये स्कैमर्स की तादाद भी बढ़ रही है. सो यही थी हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि $625 विच इज़ अबाउट 120K to 140K इन पाकिस्तानी रुपीज़, मैंने 120,000 से लेके 140,000 जो है मिस कर दिए. मतलब अच्छी बात है मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं अगर उससे ये काम कर लेता तो मेरे जो है $50 जो कि पाकिस्तानी 10,000 रुपये मेरे से ले लेता, और 10,000 रुपये मेरे ज़ाया हो जाते. और मैं अगर देखें, उसने हमें बोला कि 140,000 रुपये देंगे, और हम सोचते हैं कि भाई हाँ 10,000 ही तो हम दे देंगे, और वो 140,000 की लालच देके हमारे से हमारे 10,000 रुपये ले गया, ये होती है बात. सो आज की वीडियो यही थी. अगर तुम लोग ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और ये बैकग्राउंड कैसा है. बिकॉज जब अभी तक जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते थे वो मेरे ऑफिस में होती थी, बट ये दिस इज माई पर्सनल रूम विद माई लिटिल ब्रदर ऑसेजा. सो ये मेरा रूम है, बैकग्राउंड इसलिए थोड़ा सा अलग है. तो गाइस तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. नेक्स्ट वीडियो ख्याल रखना, कमेंट भी कर देना, सब कुछ कर देना, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके.